हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट लैंड रिसोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं कि लैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी हम लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं सबसे पहले कि लैंड रिसोर्स क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. कहने का मतलब है कि लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांट कवर को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स को सपोर्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट करता है, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ही एक्टिविटीज़ जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो सब हम लैंड पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी चीज़ों के लिए लैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। विदाउट लैंड ये हम ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते, इसीलिए लैंड जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें लैंड की, तो अलग अलग रिलीफ फीचर्स में, अलग अलग लैंडफॉर्म्स में जो है लैंड को कवर किया हुआ है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 43% जो है एरिया हमारा वो प्लेन्स है, यानी कि लेवल लैंड है, प्लेन लैंड है, जो कि बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी 43% जो एरिया है वो प्लेन लैंड का है जिस पर आसानी से एग्रीकल्चर किया जा सकता है या इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 30% जो है वो माउंटेन्स वाला एरिया है, जहाँ पर पेरेनियल रिवर्स है, यानी कि ऐसा एरिया है जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है रिवर्स फ्लो करती हैं। तो ऐसा एरिया जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इकोलॉजी को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है कि ये जो माउंटेनियस एरिया है वो प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है 27% जो हमारा एरिया है वो प्लैट्यूज ने कवर कर रखा है, यानी कि जो हाई लेवल ग्राउंड्स होते हैं उन्होंने कवर किया हुआ है। और इस एरिया में हम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये एरिया जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉसिल फ्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व्स यहाँ पर हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फॉरेस्ट एरिया भी यहाँ पर अच्छा होता है, जो कि अगेन प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ को जो है सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे कोई सा भी रिलीफ फीचर हो, कोई सा भी लैंड का फॉर्म हो, तीनों ही जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की कि इंडिया के अंदर लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कितना एरिया जो है वो लैंड कवर करती है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि इतना जो एरिया वाइज जो है इतना लैंड कैप्चर करता है हमारा देश। अब ये सिर्फ जो है बात हुई है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की, ये जो है सिर्फ 93%। तो ये जो रिमेनिंग 7% है ये कहाँ गया? तो ये 7% जो है ये हमारे एस्टिमेशन में इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि ये 7% जो है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, और ये एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, तो यहाँ पर अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, इसीलिए ये वाला जो लैंड कवर है ये 7% वाला, इसको हम अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। जिस एरिया में सर्वे हुए हैं यानी जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में इंक्लूड होता है, दैट इज ओनली 93%, और वो 93% कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द नेट सोन एरिया। ये क्या होता है नेट सोन एरिया? द एरिया यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि वो एरिया, वो लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए आपके पास अवेलेबल है, जिस पर आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, वो सारा एरिया जो है आपका कहलाता है नेट सोन एरिया। ओके, सो नाउ अब हमारे इंडिया में भी जो है नेट सोन एरिया का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो किसी स्टेट में तो नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा है और किसी में नेट सोन एरिया बहुत कम है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं हरियाणा और पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारा नेट सोन एरिया जो है 80% से भी ज़्यादा है। और अगर कुछ स्टेट्स की हम बात करें, जैसे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर जो नेट सोन एरिया है वो 10% से भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि नेट सोन एरिया भी जो है हमारे इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है और कहीं पर बहुत कम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। देखिए बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, स्पॉइल हो रही है, एक्सप्लॉयड हो रही है, क्योंकि फूड, क्लोदिंग, शेल्टर, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं,
और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं हमें लैंड से मिल रही हैं, तो और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लैंड पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए, ज़्यादा शेल्टर फैसिलिटीज चाहिए, तो लैंड पर जो ये बढ़ता हुआ प्रेशर है इसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है, यानी लैंड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम बात करें कि टोटल जो हमारा लैंड था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से डिग्रेडेड एरिया कितना है, यानी कि वो एरिया कितना है जो कि वेस्ट हो चुका है, जो कि यूजलेस हो चुका है, वो एरिया कितना है, इंडिया टोटल डिग्रेडेड एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, टोटल हमारे पास था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से हमारा डिग्रेडेड लैंड हो गया 1.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आप मान सकते हो कि तकरीबन 40% जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है, यानी कि वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आता है। तो अब ये जो लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है इसके अलग अलग एरिया में अगेन अलग अलग रीजन है, जैसे अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा, तो यहाँ पर जो है लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि वेस्ट लैंड निकल रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, ओवर इरिगेशन की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है तो इरिगेशन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर इरिगेशन की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लो आउट हो जाते हैं और लैंड जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का कारण बना है ओवर ग्रेजिंग, पैस्चर्स और कैटल को फीड करने के लिए कोई लिमिट ही नहीं है, ओवर ग्रेजिंग होता जा रहा है जिसकी वजह से अगेन जो है लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स, तो वहाँ पर माइनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जिस वजह से लैंड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारण जो है निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग रीजन्स इमर्ज हो रहे हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो अब ये जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे पहला हो सकता है सॉल्यूशन कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग, यानी कि अभी हमने जो भी रिसेंटली प्रॉब्लम्स पढ़ी जिनकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, उन सभी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें इरिगेशन को कंट्रोल लिमिट के अंदर करना चाहिए, माइनिंग कंट्रोल लिमिट में होनी चाहिए एंड ग्रेजिंग भी जो है अंडर कंट्रोल लिमिट होनी चाहिए, ताकि लैंड की क्वालिटी जो है वो बनी रहे और लैंड जो है डिग्रेड ना हो। सेकेंड जो सॉल्यूशन हो सकता है एफॉरेस्टेशन, नेचुरली जब प्लांट कवर बढ़ेगा तो सॉइल की क्वालिटी भी जो है नेचुरली रिगेन होगी। नेक्स्ट जो है हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, भाई जो भी वेस्ट लैंड है हमारे पास, हमने पढ़ा कि 40% जो है वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए, दोबारा से यूजेबल बनाने के लिए क्या एफर्ट्स हम कर सकते हैं ताकि उस लैंड की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें, उसको हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। एक तो ये जो वेस्ट लैंड का हमारा प्रपोर्शन है ये इंक्रीज ना हो, और जो ऑलरेडी वेस्ट लैंड के कैटेगरी में आ चुका है उसको दोबारा हम कैसे रिवाइव करें, इन चीज़ों पर हमारा फोकस होना चाहिए ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है इसको हम रिड्यूस कर सकें और हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसको प्रॉपरली और जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकें।